ओके, तो ये हमारे पास क्यूसी के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। हम बायो की भी हमने कर लिए थे, क्यूसी के सेल स्ट्रक्चर फंक्शन था उसमें चैप्टर, और केमिस्ट्री है इसमें, स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इनके एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है आपके पास के हाउ मैनी नंबर ऑफ आयंस ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 10 मोल ऑफ H3PO4। देखो, अगर एक H3PO4 का मोल होता तो उसमें कितने हाइड्रोजन के आयन हैं? 3। बट वो कितने दे रहा है? वो कह रहा नहीं, मेरे पास 10 मोल, एक को वो क्या कर रहा है 10, तो 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 मोल आपके पास हो जाएंगे, या 30 N, ठीक है। दिस 67.2 dm³ ऑफ वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस कंटेन, देखो बेसिकली होता है 22.4 dm³, और उसमें होता है 1 मोल SO2, ठीक है। अब इसने 22 को किया 67, मतलब 3 मोल कर दी, तो इसका मतलब है 3 मोल ऑफ SO2 हो गए। 3 मोल ऑफ SO2 का मतलब है 6 मोल ऑक्सीजन, बट यहाँ पे तो 1 मोल है, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो 1 मोल ऑफ O3 था, ठीक है, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं, 6 मोल, तो ये बी ऑप्शन आपके पास सिर्फ करेक्ट है। हाउ मेनी मोल ऑफ की BrO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.01 मोल ऑफ Br2। देखो, बैलेंस इक्वेशन में क्या है, 1 मोल ऑफ की BrO3 होता है तो वो कितने दे रहा है, 3 Br दे रहा है, ठीक है, 1:3 में है मुकाबला। अब वो कह रहा है कि मुझे 3 को उसने क्या कर दिया, 0.01। अब इधर x यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है, तो 3 को किस तरह 0.01, पहले इसको 3 पे डिवाइड कर लो, तो इधर भी 3 पे डिवाइड कर लो, 1/3 हो जाएगा, 0.0 तो 0.3 हो जाएगा ये, ठीक है, 0.333, और ये 1 है ना, 1 को 0.01 किस तरह बनाना है, 100 पे डिवाइड कर लो, तो इसको भी 100 पे डिवाइड कर दो, तो 0.03 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है, नहीं सॉरी, 100 पे करोगे तो 0.003 होगा, सी ऑप्शन मौजूद, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इन 71 kg ऑफ क्लोरीन, 71 ग्राम होता तो वो क्लोरीन का 1 मोल था, ठीक है। अब वो k डाल रहा है, यानी 1000 डाल रहा है, तो इधर भी k डाल दो 1000, तो 1000 मोल, डी ऑप्शन आपके पास हो जाए। 73 है कि कंपाउंड कंटेन 6 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, टोटल कितना है 7 मल्टीप्लाई 100, इसमें कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी, हाइड्रोजन कितना है 1/7 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो मतलब कार्बन ज्यादा परसेंटेज आएगी, 6/7 तकरीबन होते हैं 73 है ना, तो कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी, तो यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन की ज्यादा लिखी है, यहाँ पे इसमें कार्बन की कम लिखी है, 86 सबसे ज्यादा है, तो यही ऑलमोस्ट 86 ही आता है, ठीक है। 74 है कि हाउ मेनी मोल ऑफ क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट इन 66.7 mg सैंपल ऑफ AlCl3। वैसे AlCl3 होता है ना, वो होता है ऑलमोस्ट 113, 113, और इसने इसको हाफ किया, ठीक है। तो इसमें देखो ना, अगर ये वो 113 होता तो इसमें तो 3 मोल होते क्लोरीन, इसने हाफ किया हुआ है तो मतलब 1.5 मोल, ठीक है, 1.5 मोल, तो इधर भी 1.5, इधर देखो इसने ये दिए हुए, सॉरी 113 नहीं, 133, 133 का ये हाफ है, तो 133 इसने वेट दिया हुआ, तो यहाँ पे भी 1.5 है, लेकिन यहाँ पे इसने mg दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम तो यहाँ पे 1.5 मिली मोल होता तो वो करेक्ट होता, इसलिए देखो ना ये दो ऑप्शन है, 1/1 इसमें शायद मिली हो, तो उस लिहाज से फिर वो करेक्ट बन सकता है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर देयर इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे होता है 44 ग्राम, और इसमें ऑक्सीजन के 2 मोल एटम है, ठीक है। अब ये 44 को 22 कर रहा है तो उधर भी 1 मोल हो जाएगा, जो कि ई ऑप्शन में मौजूद है। कि अब आते हैं 76 पे,
कि कंसीडर द हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्शन ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें सी वाला करेक्ट है, देखो 3 मोल ऑफ ए ये करेक्ट है ना, ठीक है। रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ बी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ A3B2, ये बिल्कुल करेक्ट बात लिखी हुई। Given the unbalanced equation below, determine how many liter of hydrogen gas will be produced when 51 gram of NH3 decomposes. अब वैसे देखो NH3 17 है और उसके दो हैं, मतलब 17 × 2 = 34 17 × 2 = 34 होता है ना, 10 15 15 30, ठीक है 17 × 2 = 34 34 ग्राम है इसका और Determine how many liter of H2 gas will be produced. देखो 34 ग्राम होता है तो 3 लीटर ऑफ H2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 51 दे रहा, वो 51 कर रहा है ना, 34 ग्राम है ना तो 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी 3 मोल, 3 लीटर नहीं 3 मोल, एक मोल में होता है 22.4, तो ये 67 dm³ है ऑलमोस्ट। अभी 51 कर रहा है मतलब 34 से बढ़ा रहा है, तो अब भी 67 से बढ़ाओ, 67 से बड़ा आंसर कौन सा मौजूद है, 100 वाला मौजूद है, तो ये ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 0.5 मोल ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्मड इज, अब देखो 1 मोल ऑफ H2SO4 होता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 0.2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो वो भी कि 0.2 मोल ऑफ H2SO4 से रिएक्ट करेगा, तो सी ऑप्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट 0.2 ही है ना, तो प्रोडक्ट भी इतना ही 0.2 ही बनेगा। नंबर ऑफ नोडल प्लेन फॉर डी ऑर्बिटल, जहां पे डी के इलेक्ट्रॉन ना हो, तो डी है ना, डी के लिए क्या होता है, एस के लिए L0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है ना, ठीक है, और आपके पास सब आ जाएगा H ही के अ पॉसिबल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडिड टू गैलियम गैलियम एटम, एटॉमिक नंबर 31 है इट्स ग्राउंड स्टेट। देखो एटॉमिक नंबर 30 होता है जिंक का, ठीक है, और वो होता है 4s2 3d10, 4s2 3d10, ठीक है। अब इसके बाद फिर आएगा 4p आएगा, ठीक है, यानी 31 वाला इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा, एन इसका क्या होगा 4 होगा, तो 3 तो हो नहीं सकता, एलपी के लिए 1 होता है, ठीक है, तो L1 है जो कि ए ऑप्शन में मौजूद है, बस आगे जाऊं ही नहीं। 81 है नेचर ऑफ पॉजिटिव रे डिपेंड, नेचर ऑफ पॉजिटिव रे रेजिड्यूअल गैस पे डिपेंड करता है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है ये करेक्ट है, इट एमिट एनर्जी, नहीं एक ऑर्बिट में एनर्जी नहीं निकालता, जब जंप वगैरह करेगा फिर, इट हैव वेव लाइक प्रॉपर्टी भी है, अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेक्ट। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, एजीम्यूथल वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ठीक है। व्हेन अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू अ थिन मेटल फॉइल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट टू द फॉइल, बिकॉज क्यों स्ट्रेट जाते हैं, और ऑप्शन क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन एन एटम, इसलिए स्ट्रेट जाते हैं, ठीक है। 85 है कि क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 2p, n इसके क्या है 2a और p के लिए L1 होता है, तो सी ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। Which is the proper electronic configuration of tungsten element? अब 4f5d6s2, तो इसमें जो correct है ना आपके पास, अब ये तो simple, ये तो इस तरह MCQ है ना, याद करने वाले हैं electronic configuration, ठीक है। टंगस्टन का आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए, तो लेकिन मैं इसको चेक भी कर देता हूँ, हाँ 6s2 5d4 एंड 4f14, ठीक है।
तो इसमें ये ए वाला करेक्ट है आपके पास। और व्हेन 4d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग, अब n प्लस l रूल है, ठीक है, 4d के लिए n 4 है और l 2 होता है, तो इसके लिए आ रहा है 6। अब बाकी अगर किसी के लिए 6 आ रहा हो तो देख लो 87, इसके लिए f के लिए, तो इसके लिए तो 7 आ रहा है, ये गया, ठीक है। और p के लिए तो 5 आ रहा है, तो इससे कम है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन वापस तो नहीं आ सकता, तो ये भी इससे कम है, तो सिर्फ d बचे है बस। हाउ मैनी मोल ऑफ प्रोटॉन आर देयर इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, प्रोटॉन पूछ रहा है, ठीक है, 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो H2O वैसे होता है 18 ग्राम, इसमें 8 इधर हैं और 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन में, मतलब 10 हैं जब 18 ग्राम होगा, और उसने हाफ किया हुआ है 9 ग्राम, तो प्रोटॉन भी हाफ हो जाएंगे, 5, 10 की बजाय 5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इन 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन वैसे है 78 ग्राम, ठीक है, और 78 ग्राम है, ठीक है। इसने कितना दिया हुआ है, अच्छा 78, 78 है ना, 78 डिवाइडेड बाय 12, 12 6 72, तो 6 मोल आसपास, क्योंकि 78 होता ना, तो इससे 6 है, लेकिन ये 7.8 दे रहा है, तो ये फिर 0.6 हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट 0.6 के आसपास ही आपके पास होगा। वैसे बेंजीन 78 ग्राम है डिवाइडेड बाय 12, तो 12 6 72, 12 6 72 और 78 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे 7.8 दे रहा है, तो आप भी 6 से एक पॉइंट पीछे ले आओ, 0.6 मोल आपके पास वो हो जाए। ओके, अब आपके पास आ जाते हैं 90 के, ए सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट हाउ मेनी ऑर्बिटल, देखो m वैल्यू दिए हुए, जब m वैल्यू दिए हुए तो इसका मतलब है ये एक ऑर्बिटल है, क्योंकि m की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को शो करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, सबशेल का मतलब है s p d और f, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, p में कितने आते हैं 6, ठीक है, और डी में आते हैं 10, एफ में आते हैं 14। अब ये किस फार्मूले से प्रूफ हो सकते हैं, अगर मैं बी पुट करूं, एल एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब 4 एल क्या है, 0 प्लस 2, अब देखो ये 2 रहा है ना, ये तो 0 और ये 2, तो मीन्स ये फार्मूला करेक्ट है, ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब पी के लिए एल 1 पुट करो तो इसे 6 आंसर भी आता है, इसी तरह डी के लिए 10 आता है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मालूम हो सकता है, Which one contain maximum amount of water? तो 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल, 180 mu तो बहुत छोटा यूनिट है, 1.8 ग्राम भी कम है, 18 मोल तो 18 मोल है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर 1 मोल होता तो उसमें 4 एटम होते, और वो कह रहा नहीं 0.1 मोल है, तो इसमें 0.4 होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास सी में है। 95 है मास ऑफ कार्बन 12 एटम कंसीडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ अ मोल इज, दैट इज 0. मतलब 12 ग्राम लिया हुआ है, अब 0.012 केजी लो ना, तो ये 12 ग्राम, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे एमसीक्यूज हैं वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।